मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29,435, वहीं मरने वालों की संख्या 824, साथ ही संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या हुई 6,868। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,110, वहीं 110 मौतों के साथ इस संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या हुई 302। शहडोल में 2 मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहडोल कलेक्टर के आदेश पर 28 और 29 अप्रैल को शहर में लगाया गया कर्फ्यू। रीवा के डॉक्टर सिंघल की पहली कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगली 2 रिपोर्ट आई नेगेटिव। शहडोल में 2 मजदूरों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अनूपपुर जिले में 28 अप्रैल को लगाया गया कर्फ्यू। जारी है नर्मदा युवक संघ द्वारा भोजन वितरण का कार्य, अमरकंटक में प्रतिदिन जरूरतमंदों को दिया जा रहा है भोजन। नई उड़ान समिति द्वारा अमरकंटक में जारी है भोजन वितरण का कार्य, जरूरतमंदों को प्रतिदिन दिया जा रहा भोजन। सिंगरौली में लॉकडाउन प्रतिबंध के बावजूद यात्रियों को लेकर बैढ़न से सीधी की ओर जा रहे बोलेरो वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज। 8:10 सवारी बुक करके 5,000 रुपए में वो लेके जा रहा था। शहडोल में 2 श्रमिकों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी समस्या।